दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में हारा भारत तो फाइनल से हो गई टीम इंडिया बाहर, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने मात्र एक खिलाड़ी पर अपने गुस्से का ठीकरा फोड़ते हुए जो कहा और बताए हार के ऐसे पांच बड़े कारण जिन्हें सुनने के बाद रोहित के भी निकल आए आंसू। तो दोस्तों धोनी का ये पूरा बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा की जगह अब हार्दिक को बनाया जाए तो आप अभी वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आखिरकार भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और दोस्तों इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम से इतनी उम्मीदें हम सभी भारतीयों ने लगा रखी थी, लेकिन मैच भारतीय टीम हार गई है। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल टीम इंडिया ने आज के इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई की ही नहीं और इस मैच को हारने के साथ ही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल से भी अब भारतीय टीम बाहर हो चुकी है। दरअसल मैच में हुआ यह था कि 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बना लिए थे। हालांकि यहां पर विराट कोहली ने जहां 40 गेंदों में 50 रन बनाए तो वहीं हार्दिक पांड्या ने मात्र 33 गेंदों में 63 रनों की तूफानी पारी खेली थी और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के भी लगाए। लेकिन दोस्तों ये मुकाबला टीम इंडिया जीतती उससे पहले ही हम सभी को अभ्यास गया था कि ये मैच अब भारत हार चुका है, क्योंकि जब इंग्लैंड पारी की शुरुआत करने के लिए आई थी तब जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने आज एक भी विकेट गंवाने नहीं दिया इंग्लैंड की टीम का और जॉस बटलर ने 39 गेंदों में 80 रन बनाए तो वहीं एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों में 46 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम को अकेले बलबूते पर 10 विकेट से जिता दिया। और इस मैच में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और यहां तक कि रविचंद्रन अश्विन जैसे गेंदबाज भी एक भी विकेट हासिल कर नहीं पाए और इसी के साथ भारत को 10 विकेट से हार का सामना सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में करना पड़ा। और इस मैच में हार होने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा खूब जमकर फूटाई, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर भड़ास निकालते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जानकर आप भी हैरान होने वाले हो। और उन्होंने कुल मिलाकर पांच बड़े कारण बताए हैं भारत की हार के। तो आइए महेंद्र सिंह धोनी का पूरा बयान आपको बताते हैं। दरअसल यहां पर धोनी कहते हैं कि मुझे अपनी टीम इंडिया से ऐसे प्रदर्शन की कभी भी उम्मीद नहीं थी। यह हमारी वो टीम है जिसने सेमीफाइनल से पहले हर एक मुकाबले को जीता। भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम हारे, लेकिन उम्मीद यही थी कि इस साल टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम जाएंगे। कहां गई रोहित की कप्तानी, कहां गई भारत की गेंदबाजी, कहां गई ये भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने पूरे विश्व कप में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। इनके लिए कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट बना ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ही बड़े टूर्नामेंट में जाकर ऐसे ही आउट होते हैं जल्दी और ना तो रन बना पाते हैं और ना विकेट ले पाते हैं। अब पाकिस्तान से सीखने की इनको जरूरत है कि बड़े मैचों में कैसी गेंदबाजी करनी चाहिए। फिर आगे धोनी ने गुस्से में बड़े कारण बताते हुए कहा कि आज हमारी हार का सबसे बड़ा कारण रोहित शर्मा और केएल राहुल टीम के लिए रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि आखिर आपको टी20 में जब मैदान पर आप कदम रखते हैं तो कैसी बल्लेबाजी करनी है। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी का फायदा उठाते हुए रन बनाने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि टीम से उन्हें भार करने वाला कोई है नहीं और जो शुरुआत में धीमी पारी खेली इन बल्लेबाजों ने यही हार का सबसे बड़ा कारण था। तो वहीं अगला हार का कारण धोनी ने बताया कि मैदान पर अच्छी गेंदबाजी ना करना। ना तो अर्शदीप सिंह विकेट ले पाए, ना ही मोहम्मद शमी ने कोई विकेट लिया और ऊपर से अश्विन और अक्षर पटेल पर जो रोहित ने विश्वास जता रखा था उसका भी आज उनको परिणाम मिला, इसलिए हम सेमीफाइनल हारे। तो वहीं फिर अगला कारण धोनी ने बताया कि टीम में युजवेंद्र चहल का चयन ना होना। युजवेंद्र चहल एक अच्छे स्पिनर है और इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने उनको खिलाना सही नहीं समझा और यह हार का सबसे बड़ा कारण रहा। तो वहीं फिर आगे धोनी ने हार का कारण बताया भारतीय टीम की गलत सोच, जहां 6 ओवर में 70 रन इंग्लैंड ने बना लिए थे। फिर हार्दिक पांड्या ने टीम को उत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन कप्तान रोहित अपना मायूस चेहरा लेकर इधर उधर डोल रहे थे और अपने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास वो भर नहीं पाए और इसीलिए टीम इंडिया हारी। तो दोस्तों यहां पर धोनी के बयान के बाद तो ये पता चलता है कि रोहित शर्मा इस हार की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उन्होंने ना तो बल्लेबाजी अच्छी की, ना अपने गेंदबाजों को अच्छे से चलाया और ऊपर से मैदान पर जो अपने हथियार उन्होंने डाल दिए वो सबसे बड़ी हार की वजह थी। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो, क्या धोनी बिल्कुल सही कह रहे हैं या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।